हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को अपने सपने के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया है। उस इंसान का नाम है पाउलो कोएल्हो। आज पाउलो कोएल्हो के नाम से पूरी दुनिया परिचित है क्योंकि उनके द्वारा लिखी किताब अल्केमिस्ट ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। अल्केमिस्ट का अनुवाद दुनिया के 80 से अधिक भाषाओं में हो चुका है, जिसकी करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं और लगभग 170 देशों में पढ़ी जा चुकी हैं और आज भी पढ़ी जा रही हैं। अल्केमिस्ट ने पाउलो कोएल्हो की दुनिया बदल कर रख दी। आज वे दुनिया के बड़े सेलिब्रिटी में से एक हैं और दुनिया के बेस्ट 200 लेखकों में उनका नाम दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन कोएल्हो की दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। उनका जीवन कई मुश्किल पड़ावों से होकर गुजरा है। आइए उनकी जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं। पाउलो कोएल्हो का जन्म 24 अगस्त 1947 को ब्राजील के एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता इंजीनियर और माँ हाउस वाइफ थीं। कोएल्हो बचपन में अंतर्मुखी स्वभाव के थे। जब वे स्कूल में थे तभी कविता कंपटीशन में हिस्सा लिया था और जीता भी था। उसी दिन से उन्होंने राइटर बनने का ख्वाब पाल लिया, मगर उनके माँ बाप उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। इस बात को लेकर उनका अपने माता पिता से मतभेद हो गया और धीरे धीरे ये मतभेद गहराता चला गया, इतना कि वे दिन दिन भर घर से बाहर रहने लगे, देर रात घर लौटते, अपने बाल बेतरतीब तरीके से बढ़ा लिया था, अटपटे कपड़े पहनने लगे थे और सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया था और स्कूल की पढ़ाई में लगातार असफल हो रहे थे। एक कैथोलिक परिवार में जन्मे उनके माता पिता धर्म और आस्था को लेकर काफी सख्त थे। लगभग 16-17 की उम्र में परिवार के पारंपरिक रास्ते पे न चलने के कारण माता पिता को लगा कि कोएल्हो की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने उन्हें सुधारने के ख्याल से एक मानसिक संस्था में भेज दिया, जहां वे 20 की उम्र तक रहे। उस संस्था की खिड़कियों से वे अक्सर बाहर के खूबसूरत नजारे देखा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे प्रकृति उन्हें अपनी गोद में बुला रही है। आगे माता पिता की इच्छा का मान रखते हुए लेखक बनने के अपने सपने को छोड़ कोएल्हो ने लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन वहां से भी एक साल बाद निकल गए और हिप्पी के रूप में जीवन बिताने लगे। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, मैक्सिको और यूरोप की यात्राएं की। 1960 के दशक आते आते उन्होंने ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर दिया। फिर ब्राजील लौटने के बाद उन्होंने गीतकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1974 में कोएल्हो को वहां की सैनिक सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप ये था कि उनके गीत वामपंथी विचार से प्रभावित हैं। फिर कोएल्हो ने अभिनेता, पत्रकार और नाट्य निर्देशक के रूप में भी काम किया, लेकिन अंततः उन्होंने उसी लेखन को अपना लिया जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें रचा था और जिसका सपना वो बचपन से ही देखा करते थे। कोएल्हो की पहली किताब 1982 में प्रकाशित हुई, मगर कोई कमाल नहीं दिखा पाई। फिर 1986 में एक और किताब आई, मगर वो भी पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में नाकामयाब रही। फिर बारी आई अल्केमिस्ट की और दुर्भाग्यवश वो भी बुरी तरह असफल रही। अब आप कहेंगे कि ऊपर तो मैं अल्केमिस्ट की सफलता का नगाड़ा बजा रहा था और यहाँ उसे असफल बता रहा हूँ। जी, कहानी ही कुछ ऐसी है। जब अल्केमिस्ट पहली बार छपी थी तो महीनों तक उसकी एक भी कॉपी नहीं बिकी थी। फिर बिकी, मगर मात्र दो कॉपियां। दोनों कॉपी अमेरिका के एक नागरिक के द्वारा खरीदी गई थी, मगर उस दो प्रति ने अल्केमिस्ट और कोएल्हो दोनों की जिंदगी बदल दी। एक दिन कोएल्हो के पास अमेरिका के एक बड़े प्रकाशक की चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि मैंने अभी अभी अल्केमिस्ट खत्म किया है। उसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जाग गया हूं और पूरी दुनिया सो रही है। प्रकाशक
प्रकाशक ने अल्केमिस्ट को अंग्रेजी में छापने का अधिकार मांगा, और फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया। अल्केमिस्ट और कोहिलो दोनों पूरी दुनिया में छा गए। अब कुछ उनके प्रेरक कथन। जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो उसे हासिल करने के लिए पूरी सृष्टि आपके मदद की साजिश रचती है। ये सपने के सच होने की संभावना ही है जो जिंदगी को रोचक बनाती है। प्यार करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक चीज है जो आपके सपने को असंभव बनाती है, वो है असफलता का डर। लोग जीवन के किसी भी दौर में अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्म। बहुत साधारण सी दिखने वाली चीजें ही हमारे जीवन में सबसे असाधारण होती हैं, मगर इस बात को अक्लमंद लोग ही समझ पाते हैं। एक बच्चा एक वयस्क को तीन चीजें सिखा सकता है, बिना किसी कारण के खुश होना, हमेशा कुछ करने में व्यस्त रहना, और ये जानना कि जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत के साथ कैसे मांगा जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अल्केमिस्ट के लेखक पाउलो कोयलो की। आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक नियमित पहुंचता रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।